मैं हूं सैयद फहद हाशमी फोटू से और आज हम फिर आपके सामने हाजिर हैं कुछ ऑडियो सॉल्यूशंस लेकर। बहुत सारे लोग मेरे पास आते हैं, मेरे पास क्लाइंट्स आते हैं कि हमें वायरलेस माइक्रोफोन यानी कि इंटरव्यू रिकॉर्ड करना है, वाइड की ज़रूरत नहीं है, कोई सॉल्यूशंस बताएं। तो मैं आपको बता दूं कि इस वक्त मार्केट के अंदर जो टॉप ब्रांड्स हैं उसमें शेनाइजर का EW112PG3 कोई 55 से 56 हज़ार रुपये की कॉस्ट के अंदर मिलता है। लेकिन अगर आपको एक छोटा काम करना है, बजट ज़्यादा नहीं है, तो उसका भी हमारे पास सॉल्यूशन है। अब वो है बोया का WMA ड्यूल चैनल वायरलेस माइक्रोफोन सिस्टम, जो आपको डबल चैनल आपको यूज़ कर सकते हैं किसी इंटरव्यू में, प्रैंक्स के अंदर फनी वीडियोस जो बन रही हैं, ऑन रिकॉर्ड कैमरा भी कर सकते हैं, जूम S6 के साथ कनेक्ट कर सकते हैं। तो ये है बोया का WM8 वायरलेस माइक्रोफोन सिस्टम। तो अब हम चलते हैं बोया WM8 वायरलेस माइक्रोफोन की अनबॉक्सिंग की तरफ। उसके बाद हम इसका ऑडियो टेस्ट करेंगे, इसको कनेक्टिविटी का किस तरह से होता है वो हम आपको बता देंगे। यह है बोया का WM8 ड्यूल चैनल वायरलेस माइक्रोफोन। ये इसको अनबॉक्स कर रहा हूँ। ये इसका हार्ड केस है और इसके अंदर तमाम चीज़ें रखी हुई हैं। ये इसका कंप्लीट पैकेज है। ये इसका मैनुअल आ गया, इसको पढ़ सकते हैं। ये ट्रांसमीटर्स हैं इसके। ये सेल बॉक्स आ गया इसका, और इसके साथ ये इसके इनपुट्स हैं, आउटपुट्स हैं। और ये दूसरा ट्रांसमीटर है, सेम चीज़ है, सेम आउटपुट्स हैं। ये इसका रिसीवर है जो आपकी वॉइस को रिसीव करेगा। इसका ऑन ऑफ, इसकी इन और आउट, और इसके साथ इसकी केबल्स भी हैं। ऑक्स केबल है, ये इसका लैब माइक है, लैब माइक 1 और लैब माइक 2। और फिर इसके साथ इसकी कुछ एक्सेसरीज हैं, जैसे इसके वायर का क्लिप्स हैं। ये S6 के लिए इसका केबल है। ये इसकी क्लिप और इसका विंडशील आ गया, और ये अडोप्टर आ गया। इसको अडोप्टर भी इसके साथ में है, आप इसको कनेक्ट कर सकते हैं पीछे ऑफ ताकि कैमरे पर माउंट हो जाए। ये इसका अनबॉक्सिंग। हाँ जी, तो मैं अभी आपको दिखाता हूँ WM8 आपस में किस तरह से ये कनेक्ट होते हैं। ये इसका फर्स्ट चैनल ए इसका ट्रांसमीटर है। ये इसका सेल बॉक्स है, सेल ऑलरेडी इंस्टॉल है। और ये इसका पावर बटन है, ये पावर ऑन किया हमने इसका, पावर ऑन। चैनल भी आपको नज़र आ रहा है 23 पे इस वक्त सेट है, ठीक है। ये आपने 23 पे सेट कर लेना है। ये प्लस माइनस से चैनल्स आप चेंज कर सकते हैं। स्क्रीन पे शो है सेट बटन से, ये सेट हो जाएगा और वॉल्यूम की तरफ मूव हो जाएगा। वॉल्यूम भी इसका आप डाउन एंड अप कर सकते हैं। इंडोर शूट करनी है तो 25 से 32 के दरमियान आप इसका वॉल्यूम रखें, ठीक है। और ये दूसरा इसका चैनल ट्रांसमीटर, इसमें भी ऑलरेडी इसके अंदर इंस्टॉल है ऑलरेडी। ये भी आपको दिखा देता हूँ, ये चैनल ए है, वो चैनल बी ट्रांसमीटर था, ये चैनल ए है। सेम फ्रिक्वेंसी पर हमने इसको कनेक्ट कर लिया है, 23 23। और ये इसका रिसीवर है, रिसीवर आपने यहाँ से ऑन कर लिया। इसमें भी वैसे ही सेल, दो सेल लगते हैं इसमें। और ये भी हमने चैनल 23 पे इसको सेट कर दिया। अब ये आपस में तीनों जैसे ही कनेक्ट होंगे, ऊपर देखें आप, आपको नज़र आएगा इंडिकेशन चैनल, आपने दोनों का सेम कर लेना है। वॉल्यूम भी इसका आप तो अपने लोकेशन के हिसाब से सेट कर सकते हैं। ये मोनो ए और मोनो बी आ चुका है इसमें, स्टीरियो भी रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। प्लस माइनस से इसको भी मैंने 23 पे कनेक्ट कर लिया, और ये दोनों ट्रांसमीटर रिसीवर के साथ कनेक्ट हो चुके हैं। चैनल 23, ट्रांसमीटर 8 चैनल 23, ट्रांसमीटर भी चैनल 23, और इसका रिसीवर भी 23। दोनों ऊपर के जो एंटीनाज हैं उसके नीचे एक छोटा सा LED लाइट है, जब कनेक्ट हो जाएगा तो वो ब्लिंक हो जाएगा। तो आपको इससे अंदाज़ा हो जाएगा कि आपका ट्रांसमीटर कनेक्ट है। ये इसका लैब माइक है, जो आपके ट्रांसमीटर है उसके लैब माइक लैब 1 में लग जाएगा। जी ये है, ये इसके अंदर इसका माइक आउट हो गया। अभी मैं इसको लगा देता हूँ, कनेक्ट कर लेता हूँ। और इसके अंदर ऊपर एक, जी ये इसमें कनेक्ट हो गया है। इसको आप टाइट कर लें ताकि केबल ब्रेक ना हो आपकी। ये एक कनेक्ट हो चुका है, दूसरा ट्रांसमीटर भी इसी तरह हमने कनेक्ट करना है। और ये इसका लेफ्ट 2 आ गया, लेफ्ट 2 भी हमने दूसरे ट्रांसमीटर के अंदर माइक इनपुट में आपने लगा दिया, यानी कि माइक आउट होगा जहाँ से। और ये इसके साथ कनेक्ट हो चुका है। और रिसीवर के लिए भी मैं आपको दिखा देता हूँ, ये रिसीवर की पिन है जो डायरेक्ट रिसीवर से कनेक्ट होकर आपके कैमरा के साथ कनेक्ट हो जाएगा। ये इसका रिसीविंग का पिन है, ये इसका रिसीवर,
ये इसका लाइन आउट में कनेक्ट होगा, ठीक है, ये रिसीव करेगा और यहाँ से आउट करेगा आपके कैमरे के अंदर, आपकी रिकॉर्डिंग को सेव करेगा। और ये हेडफोन से आप इसको डायरेक्ट रिकॉर्डिंग सुन भी सकते हैं एट अ शूट, जिस वक्त आपका शूट हो रहा है वहाँ पर आप सुन सकते हैं। तो ये इसके साथ जी इसका एक छोटा सा सेटअप था जो आपको समझ में आ गया होगा। और एक चीज़ और इसके साथ एक केबल एडिशनल है वो भी दिखा देता हूँ जी। ये इसका एक XLR इनपुट है जिसमें आपके पास अगर जूम H6 या H4N डिवाइस है, एक्सटर्नल रिकॉर्डर है तो उसमें भी आप इसको डायरेक्ट रिकॉर्ड कर सकते हैं। ये पिन्स भी इसके साथ इंक्लूडेड इन द बॉक्स है, मैं दिखा देता हूँ आपको। ये जूम H6 के साथ XLR को ये आपने कनेक्ट कर लिया और ये आपने कैमरा के अलावा इस रिकॉर्डर में भी आप अपनी सारी रिकॉर्डिंग सेव कर सकते हैं। ज़्यादातर प्रोफेशनल लोग इसी तरह इस्तेमाल करते हैं। तो ये हमारा आज का कंप्लीट जो है इसका कनेक्टिविटी भी आपके सामने आ गई। जी दोस्तों, इस वक्त जो आप आवाज सुन रहे हैं वो है बोया WM8 वायरलेस माइक्रोफोन जो इस वक्त मेरे बॉडी के साथ कनेक्ट है। ये इसका बॉडी पैक है जिसको हम ट्रांसमीटर कहते हैं। ट्रांसमीटर का मतलब यह है कि जहां से आपकी आवाज ट्रांसमिट हो रही हो। और इसका रिसीवर इस वक्त मेरे कैमरा के साथ कनेक्ट है और यहाँ पर कोई इतना शोर भी नहीं है, कोई नॉइज़ भी नहीं है। और मेरे कैमरे और मेरे दरमियान में जो इस वक्त डिस्टेंस है वो अबाउट कोई 12 से 15 फीट का हमारा डिस्टेंस है। और एक लाउड भी नहीं है यहाँ और बहुत ज़्यादा साइलेंट भी नहीं है, एक नेचुरल इन्वायरमेंट है। तो ये 24 चैनल मेरे इस बॉडी पैक पे सेट है चैनल ए, और सेम मेरे ट्रांसमीटर के ऊपर भी सेम चैनल 24 जो है इसके साथ कनेक्ट है। तो ये आपस में कनेक्ट हुए हुए हैं और मैं इस वक्त आपसे बात कर रहा हूँ, इसकी क्वालिटी टेस्ट आपको दे रहा हूँ ताकि बाय करने में आपको इजी रहे और इसकी साउंड क्वालिटी के बारे में आपको जो है वो काफ़ी हद तक क्लेरिफिकेशन मिल जाए इसकी साउंड क्वालिटी कैसी है। अस्सलाम वालेकुम जी, हम यहाँ पर इस वक्त खड़े हुए हैं मेन रोड के ऊपर ताकि आपको WM8 वायरलेस माइक्रोफोन का रिव्यू दे सकें। इसकी आवाज़ आप चेक कर सकते हैं कैसी है, इसकी आवाज़ आ रही है उससे आप अंदाज़ा लगा लें। ये है हमारे फराज भाई। फराज भाई, आप भी कुछ कह लें थोड़ा सा ताकि पता क्या बोलेंगे। WM8 के लिए हमको लेकर आए हैं इसके रिव्यूज़ देने के लिए। इसकी वॉइस आप हमारी आवाज़ सुन के अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितनी क्लियर आप तक पहुँच रही है। और बाकी ये ट्विन वन पैक है जिससे दो बंदे आप आराम से बात कर सकते हैं। अच्छा जी, तो हम वापस आ गए हैं। इस वीडियो के अंदर आपने बोया का WM8 के बारे में इसका अनबॉक्सिंग देख ली, इसके वीडियो टेस्ट रिजल्ट ऑडियो टेस्ट आपने देख लिया। और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बोया का WM1 के बारे में बताऊंगा। ये इसका वाइड माइक्रोफोन है जो सेलफोन और दूसरी डिवाइसेस पे चलता है, इसका डिटेल रिव्यू दूंगा। और अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आती है तो इसे लाइक कीजिए, इस पर कॉमेंट्स कीजिए, अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिए इसमें क्या अच्छा था, क्या आपको पसंद नहीं आया। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल का बटन ज़रूर दबाइए। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।